भारत में सरकारी मशीनरी किस तरह से काम करती है, आइए आज हम आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। शायद आपने ऐसा नज़ारा बहुत कम देखा होगा। आज जब सिटी न्यूज़ की बरेली की टीम आंवला मंडी पहुंची तब वहां पर एक ऐसा अनोखा दृश्य देखने को मिला, देखा जिस पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन लोग कहते हैं कि कैमरा कभी भी झूठ नहीं बोलता। जी हाँ, ये बात सच है। कैमरे द्वारा खींचे गए फोटो यह सच बयां कर रहे हैं कि मंडी के जिम्मेदार कर्मचारी उस टेबल पर आराम फरमा रहे हैं जिस पर घंटों काम करने से सरकारी वेतन प्राप्त होता है। आप इन फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि वह किस तरह से काम कर रहे हैं। इस पर जब टीम आगे बढ़ी तो उन्होंने पाया कि मंडी समिति की सबसे जिम्मेदार वाली गद्दी जो कि मंडी सचिव की है वो आज खाली मिली। उसकी जानकारी लेने पर जब उनके कर्मचारियों से पूछा गया तो वह बगल में झांकने लगे। ताज्जुब वाली बात तो यह है कि आखिर सरकारी समय का इस्तेमाल सचिव साहब कहाँ कर रहे हैं। मंडी में जब और आगे बढ़ा गया तो हमने पाया कि मंडी में इतनी बड़ी मात्रा में अवैध अतिक्रमण काफी लंबे समय से हो रहा है और इसकी खबर जब कर्मचारियों द्वारा अपने सचिव को दी जाती है तो ऐसी गंभीर शिकायत करने के बाद कोई जवाब की प्रतिक्रिया नहीं आती है। तब जिम्मेदार कर्मचारी मीडिया के सामने मुखातिब होकर आपबीती बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह से लंबे समय से अतिक्रमण वहां पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सचिव साहब के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वह अतिक्रमण हटाना नहीं चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि अगर यह खबर आला अफसरों तक पहुंचेगी तो शायद बड़ी कार्यवाही भी हो सकती है। इसकी परवाह ना करते हुए धड़ल्ले से अतिक्रमण जारी है। इस संबंध में बताते हुए मंडी समिति के जिम्मेदार कर्मचारी संवाददाता धीरेन्द्र सिंह की खास रिपोर्ट। इस संबंध में प्रयास ये चल रहा है कि अतिक्रमण को हटाया जाए और इसके नतीजे बहुत ही जल्दी मिलेंगे। ये मंडी बिल्कुल क्लीन और डाइट होगी, बिल्कुल साफ स्वच्छ मंडी जैसा मिशन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी का, उसी पोजीशन में इस मंडी को हम लाना चाह रहे हैं। बस ये है कि जल भराव की स्थिति ऐसी है कि ये मंडी के उधर दोनों साइडों में गड्ढे हैं इसलिए पानी भरा रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत इनसे हट बच के फिर भी मतलब अतिक्रमण काफ़ी था। जैसे एक का ये अभी फाउंडेशन बना लिया वो भी हमने तोड़वा दिया, उसका सामान भी सब बाहर निकलवाए फेंकवा दिया। इसी हिसाब से जो है अतिक्रमण बहुत ही जल्दी जो रह गया वो भी हटवा दिया जाए। गंदगी को लेकर क्या विचार है आपके? गंदगी को ये लेके हैं कि ठेकेदार का हमने अगस्त का पेमेंट रोक दिया है और सो फार दो नोटिस हमने इशू कर दिए हैं और तीसरा नोटिस जो है टेंडर इसका नष्ट करने का हम जारी कर देंगे अगर मतलब अतिक्रमण गंदगी को साफ नहीं करते हैं। अभी जैसे कि प्राय देखा गया कि जो मंडी के वो जी वो अनुपस्थित हैं जी, और आपसे भी जानकारी ली गई कि उसकी अनुपस्थिति कहाँ पर है और क्या है, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? उस विषय में मेरे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैं कल मंडी समिति बजीन था, मेरे पास दो मंडियों के चार्ज है, आज यहाँ आया तो महोदय वास्तव में जो आप कह रहे हैं वो नहीं है। अब कोई हो सकता है उनका बरेली सीए साहब के यहाँ भी जाने का प्रोग्राम था, डीडी ऑफिस भी जाने का प्रोग्राम था, हो सकता है उनका गए हूँ बैलेंस शीट मंडी में वो कहाँ पर उपस्थित नहीं। अभी तो हमारे पास कोई सूचना है नहीं, ना हमने अभी कोई संपर्क किया है ना उनका कोई संपर्क हमसे हुआ है इस समय। सिंह, इस वक्त हम खड़े हैं बरेली की आंवला मंडी समिति में और यहाँ पर कुछ अनियमितताएँ पाई गई हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि किस तरह की अनियमितताएँ यहाँ पर हैं और किस तरह की यहाँ पर हालात हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर शिवम मिश्रा। शिवम मिश्रा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी अनियमितताओं के विषय में जानकारी हमको मिली थी तो किस प्रकार की अनियमितता हो रही है, क्या हो रहा है? जी, मेरी नियुक्ति यहाँ पर नहीं है, मैं दो तीन महीने से यहाँ का समस्त स्टाफ इस चीज़ से रूबरू है। अब हम इस बारे में क्या बोल सकते हैं सर, बाकी उपनिदेशक प्रशासन जी का सख्त आदेश है कि किसी भी तरीके का अतिक्रमण ना हो, उसके बाद भी हमने अपने समस्त स्टाफ को इस बारे में सूचित किया पर उन्होंने कोई भी इस विषय पर कोई भी निर्णय ना लेते हुए हमें चुप रहने के लिए कह दिया गया। नहीं तो जैसे ये जो अतिक्रमण नज़र आ रहा है, आपने बरेली के उच्च अधिकारी को शिकायत नहीं की इसकी? सर, हम अपने अधिकारी को कर सकते हैं, हमने अपने अधिकारी को कई बार सूचित किया। तो यहाँ पर आपने अभी देखा कि मतलब यहाँ पर अतिक्रमण नाम का एक जो कीटाणु है वो यहाँ भी मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्राइवेट अतिक्रमण यहाँ नज़र आ रहा है जो कि मंडी समिति में नहीं होना चाहिए। और आप गंदगी भी देख रहे हैं कि समय सुबह का कितना बज रहा है और क्या हालात हैं यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर। और आप देख रहे हैं चारों तरफ अतिक्रमण का एक माहौल है जो कि मंडी समिति में पूरी तरीके से अलीगल है। इस पर शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ के जो मौजूदा और संबंधित जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक क्यों नहीं अपना रहे हैं, यह हम आपको आने वाले समय में ज़रूर बताएंगे। लेकिन यह अतिक्रमण कितना हानिकारक है और कितना अवैध है यह जिला प्रशासन देखेगा और जिला प्रशासन इस पर क्या प्रतिक्रिया अपनाता है
ये देखने का विषय है। बने रहिए मेरे संग सिटी न्यूज़ बरेली में, अपने सहयोगी सत्यम के साथ। मैं धीरेन्द्र सिंह, सिटी न्यूज़ बरेली।